तो जब मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म हुई तब मैंने यूके की कंपनी ने मुझे साइन किया 2004 में उन्होंने कहा एक एल्बम बनानी है आपके साथ मैंने 2003 में सर एक एल्बम बनाई हुई एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर तब मैं कॉलेज कर रहा था उस एल्बम का नाम था देसी बाई नेचर तो मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन पहले सैम्पलिंग करने से सीखी सेल्फ लर्न सैम्पलिंग कर करके एक एल्बम बनाई सिंगर उठाए जगराते से जागरण से यहाँ से यहाँ से पचास हज़ार में उस दौर में थोड़ा अगर आप व्यूअर्स को बता सके जो म्यूज़िक की टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ नहीं है कि सैम्पलिंग का मतलब सैम्पलिंग का मतलब होता है लूप्स और लाइब्रेरी और अंग्रेज़ी गानों के अंदर से बीट को चॉप कर लेना और उसको पेस्ट करके उस पर सिंगर से गवा देना तो वो इ नहीं है लेकिन एक अंडरग्राउंड एल्बम थी वो तो हमने वो बनाई हमने बनाई तो वो बंग... देसी बाय नेचर देसी बाई नेचर वो कहीं नहीं है इंटरनेट पे है ही नहीं क्योंकि उस टाइम दौर ही नहीं था लेकिन उसकी पायरेटेड सीरीज बर्मिंगम में बिकने लग गई तो बर्मिंगम की एक कंपनी 2004 में आई मेरे पास कि वी वांट टू तो प्रोड्यूस वी वांट टू तो साइन यू एज अ म्यूजिक आज प्रोड्यूसर दिस इज़ लाइक ड्रीम कम ट्रू तो उन्होंने कहा कि लेकिन हमें अपनी आल, हमें अपनी कंपनी इंडिया में इस्टाब्लिश करनी है उस दौर में रीमिक्स का दौर था तो जो मैंने एल्बम बनाई थी देसी बाई नेचर वो पंजाबी मिक्स एल्बम थी हिप हॉप पंजाबी मिक्स किस तरह के गाने थे कोई ध्यान है आपको हाँ मतलब अलग अलग गाने थे एक अंग्रेजी गाना भी था उसमें मेरे दोस्तों ने इंग्लिश में रैप किया था और एक था गाना चांझर कैंदी तो बड़ा सैम्पल के साथ था वो थोड़ा बता तो दे मुखड़ा क्या था मैं भूल ही गया इंटरनेट पे तो है नहीं। मैं गाता नहीं था ना। हाँ तो मैं सिर्फ म्यूजिक करता रहा गाता नहीं था तब गाना तो बहुत लेट शुरू किया तो अच्छा था वो भी गाना वो एल्बम मजेदार थी मतलब तो 2004 में जब वो इंग्लैंड की कंपनी ने साइन किया उन्होंने कहा हमें तो बनानी है रीमिक्स एल्बम क्योंकि इंडिया में रीमिक्स चल रहा है तो मैंने कहा रीमिक्स बनानी है तो हमें उस तरह के सिंगर्स चाहिए होंगे तो हमें बम्बई जाना पड़ेगा वो तो मुझे बम्बई लेके गए फिर मैंने बाबुल सुप्रियो श्वेता पंडित इन सब गवाया उस वक्त में बीस इक्कीस साल मेरी उम्र थी वो एल्बम पे मैंने दस महीने काम किया उस एल्बम का म्यूज़िक वीडियो शूट हुआ एक गाना था पुराना लेकर हम दीवाना दिल लेते थे मंजिल उसका रीमिक्स किया था मैंने तो उसका वीडियो शूट हुआ मुग्धा गोड से जी उसमें एक्ट किया बहुत एक्सपेंसिव कंपनी बहुत पैसा था उनके बाद उन्होंने किया मुझे भी लिया वीडियो में मैं बस उंगलियां उंगलियां हिला रहा हूँ गा तो नहीं था उसमें तो मुझे लिया उन्होंने लेकिन तो वो वीडियो है इंटरनेट पे पर उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है हनी सिंह ये उन लोगों ने नाम दिया था तो हनी आपका घर का घर का नाम ना? मम्मी ने रखा था हनी। वैसे हृदय सिंह है पासपोर्ट पे हृदय सिंह सिंह तो ये कहानी बड़ी जबरदस्त है तो वो एल्बम होगी सर सुपर डुपर फ्लॉप और इंग्लैंड वाले चले गए वापस इंग्लैंड हमें छोड़ गए यहाँ आप वापस रोहिणी आ गए आ गए रोहिणी में भी फ्लैट गुरुजी ने दिया था मुझे पापा ने तो निकाल दिया था घर से रोहिणी सेक्टर तीन में फ्लैट दिया था वहाँ पे एक छोटे से कमरे में सी लगा के मैं बीट्स बनाता था तो फिर 2005 में अशोक मस्ती पाजी ने मेरा म्यूज़िक सुना और कहते कि तू बना मेरे लिए कुछ तो उनके लिए बनाया उनको समझ नहीं आया शुरू में छः महीने बाद उनकी कॉल आई हम वीडियो शूट कर रहे हैं हमें इसमें रैप चाहिए तो मैं कहा मैं रैप करूँगा मेरे को ले लेना इसमें तो इंग्लिश में, में मेरा दोस्त है शॉन उसने लिखा मेरे लिए उसमें so, मैंने कहाक गैन फ्राम मॉ दई मेन मस्ती वो गाना सर बी बी सी वर्ल्ड चार्ड्स में चला गया पैसे मुझे एक रुपया नहीं मिला उसका इंग्लैंड वाली कंपनी ने मुझे पैसे दिए मैंने वापस कर दिए अपनी पता नहीं क्यों मैंने वापस कर दिए मेरे लिए बहुत थे वो पैसे क्या लगा पे खुददारी है मूर्ता है मूर्खता नहीं अकड़ थी बहुत एल्बम हाँ। नहीं चली तो क्यों पैसे लू मैंने बोला उनको कहने ये पैसे ला मैं एलबम चली कितने थे पांच लाख रुपए उस दो हजार चार में, 2004 में। और मैं सी एन जी बनवा के वैगनार में गया था जब उन्होंने मुझे बुलाया कि से मिलना है हम इंग्लैंड जा रहे हैं तेरे मिलना है काम है और जब मैं पहुंचा तो मेरे बोले ये पैसे पकड़ मैं पाजी मैं ले नहीं सकता कहते क्यों मैं एलबम तो फ्लॉप होगी तू मेहनत बहुत की है एक साल लग गया रहे हैं तू मगर मैं ले नहीं सकता मतलब बाहर निकले लाख से लूँगा इससे भी ज्यादा मिलनी चाहिए <laughs> ये सारे हनी एक जैसा साउंड करते हैं <laughs> ये हमारे साथी हैं रजत सैन अभी एक बहुत जरूरी प्रोमो काट रहे हैं कंगना रनौत का इंटरव्यू हुआ था ओह oh, नाइस nice. तो ये चंडीगढ़ से है इनका घर का नाम हनी है अच्छा तो ये भी इनका भी टॉर बिल्कुल यही वाला है तो